जय हिंद, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2023 का टाइम टेबल आने की रूटीन और मॉडल प्रश्न पत्र कल झारखंड के जेसीआरटी और झारखंड एकेडमी काउंसिल ने जारी कर दिया है और इसको लेकर के आज दो दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक कर संक्षेप में बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी छात्रों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया उससे प्रश्न भिड़ेंगे या फिर नहीं भिड़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो पहला महत्वपूर्ण अपडेट है उसे देखें। तो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जैक की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 14 मार्च से, और सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कि 7 फरवरी से संबंधित स्कूलों में होगा प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को जिस एग्जाम डेट का इंतजार था, मॉडल प्रश्न पत्र का इंतजार था, वो जारी हो गया है और आपका जो बोर्ड एग्जाम है 14 मार्च से शुरू होगा और वहीं पर प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो 7 फरवरी से शुरू होगा आपके स्कूल और कॉलेज में। दोस्तों, इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ शेड्यूल जारी, यानी कि आपका जो रूटीन और टाइम टेबल है उसे जारी कर दिया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, यानी कि यह जो अपडेट है रांची से हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होगी और मैट्रिक की परीक्षाएं 3 अप्रैल व इंटर की 5 अप्रैल तक चलेगी। हम लोग जो देख रहे हैं मैट्रिक का 3 अप्रैल 2023 तक चलेगा और इंटरमीडिएट का 5 अप्रैल 2023 तक चलेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक ने शुक्रवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है, रूटीन जारी कर दिया है जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं। इसमें दे दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है किस दिन किस सब्जेक्ट का होगा, आपका प्रैक्टिकल कब होगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक में 4,30,000 और इंटर में 3,50,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हम लोग जो देख रहे हैं आप लोगों की संख्या लाखों में है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक का एडमिट कार्ड 28 जनवरी से जबकि इंटर का 30 जनवरी से मिलेगा। आप सभी छात्रों का जो एडमिट कार्ड है मैट्रिक के छात्रों का 28 जनवरी से मिलेगा और वहीं पर इंटरमीडिएट के छात्रों का 30 जनवरी से मिलेगा और उसी में लिखा रहेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पड़ा है। दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक के परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 7 फरवरी से 4 मार्च तक संबंधित स्कूलों में होगा। आप सभी छात्रों का इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके स्कूल और कॉलेज में ही 7 फरवरी से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है कि वहीं इंटर का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 7 फरवरी से 4 मार्च तक संबंधित संस्थानों में होगा और स्कूल और कॉलेज 8 फरवरी से 6 मार्च तक प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक को जैक की वेबसाइट में अपलोड कर सकेंगे। आप सभी छात्रों का जो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर है आपके स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से ही झारखंड एकेडमी काउंसिल के वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। और ये अपलोड कब किया जाएगा, 8 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई छात्र प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहेगा तो उसे बाद में मौका नहीं मिलेगा और ना ही उनके आवेदन पर कोई विचार किया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को पता है ना कि जो छात्र प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में शामिल नहीं होगा तो उसको फेल कर दिया जाता है, उसको पास नहीं किया जाएगा। मतलब कि थ्योरी में आप अधिक नंबर भी ले आते हैं, पास नंबर भी ले आते हैं और प्रैक्टिकल में आप नहीं बैठते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिग्नेचर जो है झारखंड एकेडमी काउंसिल में भेजा जाता है अटेंडेंस को। दोस्तों, इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक नहीं जोड़े जाएंगे और उससे उसका परीक्षा फल प्रभावित होगा, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिसकी सारी जिम्मेवारी स्कूल और कॉलेज की होगी, यानी कि आप सभी छात्रों का अगर इंटरनल और प्रैक्टिकल का नंबर झारखंड एकेडमी काउंसिल को नहीं भेजा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी या फिर आपके प्रिंसिपल की होगी। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक का मॉडल पेपर जारी। जी हाँ दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक के छात्रों का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसे जारी कर दिया गया है, लेकिन इसमें हिंदी का नहीं आया है। आपका जो हम लोग देख रहे हैं कि आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, वहीं पर आपका जो है संस्कृत का है, लेकिन हिंदी का मॉडल पेपर नहीं आया। क्यों नहीं आया इसका कोई भी कारण पता अभी तक नहीं है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगला
कि ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका में होगी परीक्षा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 40 या 35 तो उसका एग्जाम ओएमआर सीट पर होगा, और वहीं पर आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो आपका उत्तर पुस्तिका में लिया जाएगा, ये आपको भी पता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसमें दिया गया है कि आपका कॉपी कब जांचेगा, आपका कॉपी कब जांचेगा, रिजल्ट कब दिया जाएगा। तो इसके बारे में दिया गया है कि अप्रैल के अंत से होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, यानी कि आप सभी छात्रों का जो कॉपी है वो अप्रैल के अंत से जांचना शुरू हो जाएगा। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की ओएमआर सीट व उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि वहीं इसके परिणाम मई के अंतिम सप्ताह में या फिर जून में जारी किए जाएंगे, यानी कि आपका जो रिजल्ट है मई के अंतिम सप्ताह में या फिर जून में जारी किया जाएगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और कई जिलों से परीक्षा केंद्र की सूची आ चुकी है जबकि कुछ जिलों से आना बाकी है। यानी कि आप सभी छात्रों का जो एग्जाम होगा किस स्कूल और कॉलेज में होगा, बहुत सारे जिलों ने झारखंड एकेडमी काउंसिल के पास भेज दिया है लेकिन कुछ कुछ जिलों ने नहीं भेजा है कि वहां का एग्जाम सेंटर किस स्कूल और कॉलेज में होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी छात्रों के लिए पहला महत्वपूर्ण अपडेट था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो दूसरा अपडेट आप लोग देख रहे हैं, आप सभी छात्रों का जो शेड्यूल है उसके बारे में दिया गया है कि आपका जो शेड्यूल है उसे जारी कर दिया है और इसमें लिखा हुआ मैट्रिक व इंटर बोर्ड का परीक्षा कार्यक्रम कि किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। और दोस्तों आप लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया, आप लोग वहां पर जाइए, ग्रुप में शामिल हो जाइए और इसको जो है आप लोग वहां से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप सभी छात्रों का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है तो उससे आपका प्रश्न भिड़ेगा या फिर नहीं भिड़ेगा, तो दोस्तों मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उससे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 10-15% भीड़ सकता है। और जो भी आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों तक आज से बहुत जल्द ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा, इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, बेस्ट ऑफ लक, बहुत पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होइए। धन्यवाद।